सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम. लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स द होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 49 प्लस 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50 इज 3n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 51c3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अभी जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल देख के लगेगा यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो पूछा है. ओके लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक m जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड है और एक n जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड है. और पूछा गया है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ओके सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. देखो इस एक्सपेंशन को मैं ध्यान से लिख रहा हूँ. दिस इज 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स द होल क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स द होल 4 प्लस ऐसे करके किधर तक गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 49 प्लस 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50. ओके एंड वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस. तो सबसे पहले इसको देख के बहुत बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये एक जीपी है और हमें जीपी का सम आता है लिखने. ओके लेकिन सोचो अगर जीपी का सम निकालोगे तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, उसमें तुम कोएफिशिएंट निकालोगे और ये टर्म तो बेचारा अकेला रह जाएगा 1 प्लस एम एक्स वाला, उस पर पावर 50. इसमें कोएफिशिएंट तुम अलग से निकाल लोगे और उसको इक्वेट कर दोगे इससे, ठीक है. लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं. दूसरे तरीके से कैसे सोचना है कि हर एक ब्रैकेट में अलग एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और वो वाला कोएफिशिएंट निकालना ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से. कैसे? तो 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, हमें ये पता होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर निकाला जाए देन दिस विल बी इक्वल टू एन सी आर. कैसे? बिकॉज इन द बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एज समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर. तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स टू द पावर एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? एन सी आर होगा. ओके तो यहाँ पे सारे टर्म्स देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स टाइप ही है, तो हमें कोएफिशिएंट लिखना ज़्यादा ईजी पड़ेगा ऐसे. तो हमने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर में तो वो कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा 2c2. ओके 1 प्लस एक्स द होल क्यूब में निकालना है तो कितना आएगा? 3c2. एन सी आर आता है ना, तो हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वो 2c2 प्लस 3c2, अगला वाला टर्म इज 4c2, अगला वाला टर्म विल बी 5c2, ऐसे करके यहाँ 49c2 तक तो आएंगे. लेकिन जैसे ही 50c2 करेंगे इसके साथ साथ कौन आ जाएगा? एक एम स्क्वायर टर्म आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50 का एक्सपांसन लिखा जाए डेट विल बी इक्वल टू समेसन एन सी आर डेट इज 50 cr एम एक्स टू द पावर r. और अगर एक्स स्क्वायर का निकालना है तो m पे पावर 2 आएगा, इसलिए m पे पावर 2 वाला विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या? ये देख के याद आना चाहिए एक्चुअल में. देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिख लिया हमने 3n प्लस 1 इंटू 51c3. अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी तरीके से और मुझे ये वाला समेशन निकालना है. इस वाले समेशन को ध्यान से देखो, यहाँ तक का समेशन कुछ ना कुछ है जो कि एक फार्मूला आता है. वो फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस के प्लस 3 सी के प्लस ऐसे करके बढ़ता गया ऊपर वाला एंड एन सी के आया,
तो दिस विल बी इक्वल टू एन प्लस वन सी के प्लस वन। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है हमें, ठीक है? ओके, अगर बेस सेम हो सबका और ऊपर वाला बेस लोएस्ट बेस से स्टार्ट हो और एन तक कहीं जाए, तो फाइनल आंसर विल बी डायरेक्टली एन प्लस वन सी के प्लस वन। ओके, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आया क्या है एक्चुअल में, टू सी टू प्लस थ्री सी टू प्लस फोर सी टू प्लस फाइव सी टू प्लस कहाँ तक गया है, 49C2 प्लस 50C2 तो आया, लेकिन साथ में क्या आ गया, एम स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 3N+1 51C3। अभी अब ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास जो RHS में है वो क्या है, एक टर्म 51C3, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा इस सम के हिसाब से, तो 49 तक गए 2 से लेकर के, तो 49+1 डेट इज़ 50C2+1 डेट इज़ 3। तो ये सम आने वाला है 50C3 और अगला टर्म आएगा 50C2 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3N+1 51C3। अगर इसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग से चलें, थोड़ा सा दिमाग से चलें और हम लोग किसी भी तरह यहाँ 50C3 ना होके, सपोज अगर हमारा 51C3 आज जनरेट हो गया होता, तो दिख रहा है कि 3N+1 को लिखा जा सकता है 3N(51C3+51C3) और उससे डायरेक्टली हमारा क्या होता, 51C3 और 51C3 कैंसल आउट हो जाता। ओके, तो ये वाला 50C3 ना बन के 51C3 कब बनेगा, जब ये वाला समेशन 49C2 तक ना जाके कहाँ तक जाता, 50C2 तक। ओके, 50C2 तक जाता, लेकिन हमारा सम 50C2 के साथ तो एम स्क्वायर आ चुका है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग दोनों साइड 50C2 ऐड कर देंगे, डैट इज़ 2C2+3C2+4C2+49C2+ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया 50C2 और इस 50C2 × m² को रहने दिया, एंड इधर भी ऐड किया 3N+1 × 51C3+50C2। ओके, इससे हमने क्या किया, दोनों साइड 50C2 ऐड किया, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 51C3+m² × 50C2 इधर है, दिस इज इक्वल टू 3N+1 × 51C3+50C2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए RHS और LHS को, तो हम लोग क्या करते हैं, 50C2 वाले सारे टर्म्स को LHS में लाएंगे और 51C3 वाले सारे टर्म्स को RHS में लेके चलते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस इज m² × 50C2 − 50C2, दिस इज इक्वल टू 3N+1 × 51C3 − 51C3। ओके, सो वी कैन टेक 50C2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा अपना m² − 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगेन हियर वी कैन टेक 51C3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर वी विल गेट 3N+1 − 1। सो दिस इज बेसिकली 50C2 मल्टीप्लाइड बाय m² − 1, दिस इज इक्वल टू 51C3 × 3N। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वी विल हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो 50C2 को हम लोग लिख सकते हैं 50 ·2·48·1, एंड दिस इज इक्वल टू 51 ·3·48·3N। ओके, नाउ वी कैन सी 50 ·2 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट विथ 51 ·2 एंड इट विल बी इक्वल टू 51। ओके, 48 ·2 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट ऑन बोथ द साइड, 2 ·2 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट विथ 3 ·2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, और यहाँ वाला 3 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट विथ न्यूमरेटर वाला 3। ओके, सो ये वाला एक्सप्रेशन
रिड्यूस होके क्या बन गया फाइनली, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 51 n. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे गिवन है कि m और n एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, सो n विल बी इक्वल टू व्हाट, एम स्क्वायर माइनस वन को वी कैन राइट m प्लस वन इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय 51. अब गिवन है कि m इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए n एक इंटीजर है. ओके, m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए n एक इंटीजर है, और मुझे दिख रहा है n जो है m प्लस वन इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई 51 है. दिस मीन्स n को अगर इंटीजर होना है, n को अगर इंटीजर होना है तो ऊपर वाला चीज़ पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, 51 से डिविजिबल होना चाहिए. और 51 को अगर फैक्टराइज करोगे देन यू विल सी n इज इक्वल टू एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई 17 इंटू थ्री. ओके, 17 इंटू थ्री आ गया. अभी बताओ 17 इंटू थ्री और इधर है ऊपर एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन, इसका मतलब होना क्या चाहिए, एक फैक्टर 17 का बनना चाहिए और दूसरा फैक्टर 3 का बनना चाहिए. तो सबसे स्मॉलेस्ट m क्या ले सकते हैं हम लोग, वी कैन सी m का वैल्यू अगर 16 ले लिया जाए, m का वैल्यू अगर 16 ले लिया जाए सबसे स्मॉलेस्ट यही ले सकते हैं, क्योंकि उससे छोटा लेंगे तो कभी भी 17 इंटू थ्री से डिविजिबल होगा ही नहीं. तो m का वैल्यू 16 ले लिया जाए देन वी कैन सी n विल बी इक्वल टू 16 प्लस वन डेट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस वन डेट इज 15 डिवाइडेड बाय 17 इंटू थ्री एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5. सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 5.